अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और मेरे चैनल आयशाज केक डिलाइट में सबका स्वागत है। आज मैंने फर्स्ट टाइम बर्न अवे केक, जो ट्रेंडिंग केक है, उसको बनाया है, वो भी किसी भी महंगे शीट के बिना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिनके लिए हमने केक ले जाया था वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केक स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 280 ग्राम प्रीमिक्स को लिया है, 160 ग्राम पानी ऐड करके 2 चम्मच ऑयल को ऐड किया है। इस स्पॉन्ज से आज परफेक्ट 1 केजी केक बन गया है। टिन में पोर करने के बाद यहाँ पर बैटर 450 ग्राम बन चुका है। अच्छी तरह से टैप करके मैंने इसे 40 मिनट तक बेक करने के लिए ओटीजी में रखा है। आज मैंने यहाँ पर दूध से ही गनाश को बनाया है। 100 ग्राम डार्क कंपाउंड में मैंने 50 ग्राम गरम दूध को ऐड किया है, जिससे चॉकलेट जल्दी से मेल्ट भी हो गया। और यहाँ पर हमने 125 ग्राम क्रीम ली है। आज हम बचे हुए क्रीम का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। जो मैंने इससे पहले केक बनाया है उसकी थोड़ी सी कलर वाली क्रीम बच गई थी, उसमें मैंने गनाश को ऐड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से गनाश को ऐड किया है। यहाँ पर मैंने वाइट क्रीम को भी थोड़ी सी ऐड की है। बेक होने तक मैंने इस तरह से सभी तैयारी करके रख दी है। स्पॉन्ज अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर आता है तो उसके ज़्यादा क्रम्स नहीं निकलते हैं, पर यहाँ पर मैंने गरम ही उसे थोड़ा हल्का गुनगुना ही कट किया है। इसीलिए सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर ठंडा प्लेन वाटर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस केक को 3 पार्ट में कट कर लिया है। इस केक को मेरे बेटे के ट्यूशन टीचर के लिए बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बेटी की मेरी रिक्वेस्ट थी कि मम्मा चॉकलेट को अच्छे से लगाना। वैसे तो मैं चॉकलेट बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ जब भी किसी कस्टमर का केक होता है तो, पर यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चॉकलेट को ऐड किया है। और केक सभी को बहुत पसंद आया था। वहाँ पर दूसरे भी बच्चों ने केक लेके आए थे बेकरी से, पर जब उन्होंने मेरा वाला केक टेस्ट किया तो वो भी, जब कस्टमर पेमेंट करने के लिए रेडी होते हैं तो हमें भी किसी चीज़ की कमी नहीं करनी पड़ती। पर अगर कस्टमर ही बेकरी स्टाइल केक सस्ते वाले 600 रुपये में 1 केजी मांगे या 500 रुपये में भी 1 केजी केक मांगने वाले कस्टमर आते हैं, तब हमें ना चाहते हुए भी अपने केक के मटेरियल को कम करना पड़ता है और क्रीम का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितनी क्रीम से इस केक को बनाया है, और मैं हमेशा ही कम क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादा क्रीम ज़्यादा लोगों को पसंद भी नहीं आती है। आप वीडियो को भी ध्यान से देखें कि हमने यहाँ पर किस तरह से चॉकलेट को ऐड किया है और स्प्रेड भी किया है, चॉकलेट के स्टड्स को भी ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आज चॉको चिप्स अवेलेबल नहीं थे। आपने देखा होगा कि टॉप लेयर पर ज़्यादातर चॉकलेट्स को स्प्रेड नहीं किया जाता, पर मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि मैंने इस वीडियो में टॉप लेयर पर भी चॉकलेट को स्प्रेड किया है और अच्छे से क्रम कोट होने की वजह से फाइनल फिनिशिंग में भी वो चॉकलेट श्रेड्स नहीं आए। यहाँ पर एक डर लग रहा था कि क्रीम में पहली क्रीम, यहाँ पर मुझे एक बात का डर लग रहा था कि जिस ग्रीन कलर की क्रीम का हमने गनाश में इस्तेमाल किया था वो उसकी उसका कलर अपनी फाइनल फिनिशिंग में आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रम कोट के बाद थोड़ी सी वाइट क्रीम से इस केक को कवर कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टॉप लेयर पर इस तरह से चॉकलेट को ऐड किया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल फिनिशिंग में भी इन चॉकलेट्स को ऐड करने से कोई डिज़ाइन हमारी ख़राब नहीं होती। आप अच्छी तरह से अपना काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलती जाती है, ये हमें सिर्फ काम करने से ही पता चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने केक को दूसरे बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी
ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले नए ट्रेंडिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाइट ब्लू कलर से केक को फिनिशिंग दी है क्योंकि बेटी ने कहा था मेरे कि मेरी टीचर को ब्लू कलर बहुत पसंद है, इसलिए लाइट ब्लू कलर का ही केक बनाना। आप बिगनर्स हैं तब भी इस केक को बिल्कुल ही आसानी के साथ बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फिनिशिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इस केक को मैंने फर्स्ट टाइम ही इस तरह से बिना ट्रायल के कस्टमर को बनाकर दिया है। मैं किसी भी तरह के कटिंग्स वगैरह रेडीमेड नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बल्कि बटर पेपर को एक ही बार एक डज़न लेके आकर इस तरह से सभी शेप्स में कट करके रख देती हूँ, जिस वजह से जब भी केक बनाना हो तो कटिंग करते रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने यहाँ पर A4 साइज़ के पेपर पर इस फोटो प्रिंट को निकाला है। ये नॉन एडिबल फ़ोटो प्रिंट है। एडिबल फ़ोटो प्रिंट 150 रुपये में आती है और हमें जब भी ट्रायल करना हो या कम बजट में केक करने हो तो इस तरह से हम जुगाड़ से ही कुछ ना कुछ नया ट्रेंडिंग करने की कोशिश करते हैं। ये एडिबल पेपर न होने की वजह से मैंने इसे मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर को ऐड करके इस तरह से क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मुझे फ़ोटो को कटिंग करना था तब मैंने पहले फोटो पर जो फेस है उस पर पेपर से कवर कर लिया था, पर कस्टमर ने कहा कि आप वीडियो को ऐड कर सकते हैं, तो मैंने फिर यहाँ पर इमोजीज को लगाना था पर मैंने यहाँ पर नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, आप हमारी फ़ोटो केक पर दिखा सकते हैं। और जो भी वीडियो बनाते हैं होम बेकर है वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हमें किसी की भी फ़ोटो शेयर करने से पहले उसकी परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। इस केक की रेंज बहुत ही हाई हो जाती है क्योंकि एडिबल फ़ोटो प्रिंट 150 रुपये का आता है और तो वायरल ट्रेंड बर्न अवे केक है, उसमें जो शीट जलाई जाती है वो एडिबल होती है, उसका भी वो इस तरह की फ्लोरल शीट होती है जिसे वेफल शीट भी कहते हैं, वो 100 रुपीज़ 1 पीस मिल जाती है, पर मेरे यहाँ पर वो अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर ट्रेंडिंग केक सामान वैसे भी जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। जब ट्रेंड पुराना हो जाता है तब तक हमारे यहाँ पर वो डिज़ाइन आ जाती है, वो चीज़ें मिलनी स्टार्ट होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिबल प्रिंट 150 रुपये और फ्लोरल पेपर जिसे वेफल पेपर भी कहते हैं वो 100 रुपये, इस तरह से 250 रुपीज़ हमारे इस केक को एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो चीज़ें 250 में मिलेगी उसे उसी ट्रेंड को हमने सिर्फ 25 रुपये में घर पर ही जुगाड़ से बनाया है और ये सिर्फ हम जैसे होम बेकर्स ही कर सकते हैं। पेपर को बटर पेपर कहते हैं, बटर पेपर पर ही मेरी बेटी ने इस तरह से हैप्पी बर्थडे तमन्ना मिस लिख दिया है। कुछ नया सोचो, कुछ जुगाड़ सोचो, पर ट्रेंड को पूरा कर दो। फोटो प्रिंट रखने के बाद पहले नोज़ल से इस एक बार इस पे बॉर्डर दे और फिर इस पर बटर पेपर रखे जिस वजह से वो हाइटेड हो जाता है, या आपकी फ्लोरल पेपर जो भी आप इस्तेमाल करें उसे ऐड रख दे और फिर से इस पर इस तरह से सिंपल बॉर्डर करें। इतना सिंपल दिखने वाला केक किसी को सरप्राइज करने के लिए बहुत ही प्यारा है। आप यहां पर आगे उन्होंने भेजी हुई वीडियो को आप उनके एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं कि वो इस केक को देखकर कितने खुश हो चुके हैं। इतनी
इतने प्यारे प्यारे केक बनाती हूँ, पर किस तरह से तालियों के साथ मेरी तारीफ हुई है ये भी देखकर मुझे बहुत